हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम आपके लिए पार्ट टू वीडियो लाए हैं जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 पर। और इसमें आज हम आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई, इस पर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन से हेल्प ज़रूर मिलेगी, खासकर अगर आप VLW पटवारी FA के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 45 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 DDC इज एस्टैब्लिश्ड फॉर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के सेक्शन 45 के मुताबिक DDC को इस्टैब्लिश किया जाता है इनमें से किसके लिए। ऑप्शन है आपके पास ईच विलेज, ईच ब्लॉक, ईच डिस्ट्रिक्ट या फिर ईच टाउन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए DDC को इस्टैब्लिश किया जाता है सेक्शन 45 के मुताबिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेयर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDC को पहली बार जम्मू कश्मीर में कब इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शन है आपके पास 16th October 2019, 16th October 2020, 16th October 2021 या फिर 16th October 2022। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, 16th October 2020। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45A(1) द मेंबर्स ऑफ DDC इंक्लूड। आपको बताना है DDC में इनमें से कौन मेंबर्स होते हैं सेक्शन 45A(1) के मुताबिक। ऑप्शंस हैं ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली BDC चेयरपर्सन्स, ओनली MLAs या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ DDC आर फ्रॉम। आपको बताना है जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं DDC के मेंबर वो कहां से होते हैं। ऑप्शन है आपके पास टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एंटायर डिस्ट्रिक्ट, ओनली रूरल एरियाज या फिर ओनली अर्बन एरियाज। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ 45A द नंबर ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स इन अ DDC इज। आपको बताना है DDC में डायरेक्टली कितने मेंबर को इलेक्ट किया जाता है सबसेक्शन 2 45A के मुताबिक। ऑप्शन है आपके पास 10, 12, 14 या फिर 16। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 45A द राइट टू वोट इन DDC मीटिंग इज गिवन टू। आपको बताना है DDC मीटिंग में इनमें से किसको वोट डालने का हक है सेक्शन 45A के सबसेक्शन 3 के मुताबिक। ऑप्शंस हैं ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल मेंबर्स, ओनली MLAs या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, ऑल मेंबर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 45A सीट्स आर रिजर्व फॉर। आपको बताना है सेक्शन 45A के सबसेक्शन 4 के मुताबिक इनमें से सीट्स को किन के लिए रिजर्व किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास विमेन, SCs, STs या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सीट्स रिजर्व अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 45A आर इन प्रोपोर्शन टू। आपको बताना है जो सीट्स रिजर्व रखी गई हैं सबसेक्शन 4 45A में वो किस प्रोपोर्शन में है। ऑप्शन है आपके पास टोटल प्रोपोर्शन, रूरल प्रोपोर्शन, अर्बन प्रोपोर्शन या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, टोटल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 45A एट लीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व अंडर सेक्शन 4 और 4। आपको बताना है सबसेक्शन 5 जो कि 45A में आता है इसके मुताबिक 1/3 सीट्स को रिजर्व रखा गया है इनमें से किसके लिए। ऑप्शन है आपके पास जनरल वीमेन, SC वीमेन, ST वीमेन या फिर ऑल ऑफ द अबव।
इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी एसटी वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ 45A 1/3 ऑफ सीट्स फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन आर रिजर्व फॉर। आपको बताना है सबसेक्शन 6 जो कि 45A में आता है डायरेक्ट इलेक्शंस में एक तिहाई सीट्स इनमें से किन के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। ऑप्शंस आपके पास एससी वुमेन, एसटी वुमेन, वुमेन इन जनरल या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी वुमेन इन जनरल। तो दोस्तों सबसेक्शन 4 जो है ये एससी और एसटी वुमेन को रिजर्वेशन देता है जो कि 1/3 रहेगा और ये सेक्शन 45A के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ 45A द रिजर्व सीट्स आर अलॉटेड बाय। ऑप्शंस हैं नॉमिनेशन, इलेक्शन, रोटेशन या फिर लॉटरी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट सी रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर सबसेक्शन 8 ऑफ 45A द CEO ऑफ DDC इज। आपको बताना है CEO कौन होता है DDC का जो कि सेक्शन 45A के सबसेक्शन 8 में दिया गया है। ऑप्शंस आपके पास BDO, DDC कमिश्नर, ADC या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी DD कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 9 ऑफ 45A द टर्म ऑफ DDC इज। आपको बताना है जो टर्म है टाइम पीरियड है DDC का वो कितने सालों का रहेगा और ये 45A सबसेक्शन 9 में दिया गया है। ऑप्शन आपके पास 3 years, 4 years, 5 years या फिर 6 years। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी 5 years। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ 45A डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ हल्का पंचायत मेंबर्स अप्लाई टू। ऑप्शन है आपके पास BDC चेयरमैन, MLAs, डायरेक्टली इलेक्टेड DDC मेंबर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी डायरेक्टली इलेक्टेड DDC मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर सबसेक्शन 11 ऑफ 45A द DDC चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन कैन रिजाइन बाय। ऑप्शन है गिविंग नोटिस टू CEO, एड्रेसिंग टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, इन्फॉर्मिंग DDC मेंबर्स या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी एड्रेसिंग टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ 45A इफ चेयरपर्सन रिजाइन्स रिमूव्ड चार्ज इज गिवन टू। आपको बताना है अगर चेयरपर्सन रिजाइन करता है या उसको रिमूव किया जाता है तो उसके बाद चार्ज किसको दिया जाता है 45A सबसेक्शन 12 के अंडर। ऑप्शंस हैं CEO, सीनियर मोस्ट मेंबर, वाइस चेयरपर्सन या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी वाइस चेयरपर्सन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 13 ऑफ 45A इफ वाइस चेयरपर्सन पोजीशन इज वैकेंट चार्ज इज गिवन टू। आपको बताना है अगर वाइस चेयरपर्सन की पोजीशन खाली होगी वैकेंट होगी तो उसके बाद चार्ज किसको दिया जाएगा 45A सबसेक्शन 13 के मुताबिक। ऑप्शन हैं सीनियर मोस्ट मेंबर, CEO, DDC कमिश्नर या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट बी CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सबसेक्शन 14 ऑफ 45A नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन रिक्वायर्स। ऑप्शन है आपके पास सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी 2/3 मेजॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 45B(1) फर्स्ट मीटिंग ऑफ इलेक्टेड DDC मेंबर्स इज कॉल्ड बाय। आपको बताना है पहली मीटिंग जो कि DDC मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं वो कौन बुलाता है और ये 45B(1) सबसेक्शन में दिया गया है। ऑप्शन से आपके पास DDC चेयरपर्सन, डिप्टी कमिश्नर, DDC कमिश्नर या फिर CEO। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट बी डिप्टी कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 ऑफ 45B चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन आर इलेक्टेड बाय। आपको बताना है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ये इलेक्ट कैसे किए जाते हैं या कौन इनको इलेक्ट करता है 45B सबसेक्शन 2 के मुताबिक। ऑप्शन हैं CEO, DD कमिश्नर, DDC मेंबर्स देमसेल्व्स या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी DDC मेंबर्स।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ 45B, 1/3 चेयरपर्सन सीट्स आर रिजर्व फॉर, आपको बताना है एक तिहाई चेयरपर्सन सीट्स वो इनमें से किसके लिए रिजर्व रखी गई हैं, और ये सब सेक्शन 3 में दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास SC वीमेन, ST वीमेन, वीमेन इन जनरल, या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी, वीमेन इन जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 45C(1), the DDC chairperson must convene minimum dash meetings in a financial year, आपको बताना है एक financial year में DDC chairperson को कितनी meetings कम से कम करनी चाहिए, और इस 45C(1) में दिया गया है। ऑप्शन आपके पास 2, 3, 4 या फिर 5, इसका सही आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 ऑफ 45C, द नोटिस पीरियड फॉर एन ऑर्डिनरी मीटिंग इज, आपको बताना है कि जो ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए नोटिस पीरियड होता है वो कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है आपके पास 3 days, 5 days, 10 days या फिर 15 days। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी, 10 days। इसके अलावा याद रखें दोस्तों कि स्पेशल मीटिंग के लिए 7 days होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 45C, द DDC चेयरपर्सन कैन कॉल अ स्पेशल मीटिंग। ऑप्शन है आपके पास ऑन ओन डिस्क्रिशन, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 1/3 ऑफ मेंबर्स, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ CEO या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट बी, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 1/3 ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सबसेक्शन 4 ऑफ 45C, द कोरम फॉर ए DDC मीटिंग इज, ऑप्शन है 1/4 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स, 1/2 ऑफ मेंबर्स या फिर 2/3 मेंबर्स। इसका सही आंसर रहेगा 1/2 मेंबर्स। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इस पे 50 क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस अभी पढ़ना चाहते हैं खुद तो आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जहां पर आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसके लिए मुझे आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। व्हेन वेयर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको बताना है जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC इलेक्शंस कब हुए, कब हेल्ड किए गए। ऑप्शन है 28 नवंबर 2019, 28 नवंबर 2020, 28 नवंबर 2021 या फिर 28 नवंबर 2022। तो इसका आंसर मुझे आप खुद नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसके अलावा फिर से कहना चाहूँगा अगर आप बाकी क्वेश्चंस को अभी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं खुद भी इसकी नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बनाऊँगा। तो फिलहाल के लिए आज इतने ही क्वेश्चंस, मैं मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।